नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, आज जो बताने जा रहा हूं कि IIFL होल्डिंग जो कि अपने स्पिन ऑफ के बाद 200 रुपये का जो है प्राइस हिट किया है इसने NSE पर, और आज अपने लोअर सर्किट 5% की लोअर सर्किट पे ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सारी जानकारी दे देता हूँ कि इस शेयर के साथ आखिर हुआ क्या है। तो आप देखेंगे कि आज जो ये शेयर ओपन हुआ था 210 रुपये के प्राइस पे, और इसने अपना 5% का लोअर सर्किट लगाते हुए 199 रुपये 50 पैसे पे ये क्लोज हुआ। तो यही था कि शेयर ने 5% का लोअर सर्किट लगाया, क्यों? क्योंकि आज ये एक्स स्पिन ऑफ डे था इसका आज, यानी कि ये इसकी कुछ एंटिटीज हैं जो स्पिन ऑफ हो रही हैं इससे। तो यहाँ पर जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस था NSE पर वो था 417 रुपये 45 पैसे का। यहाँ जी हाँ, 417 रुपये 45 पैसे का इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस था, और जो कि आज ओपन हुआ था 210 रुपये का। तो लगभग अगर आप देखते तो 210 के 200 रुपये के ऊपर ये जो है अपना जो है माइनस में शो कर रहा था, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या हुआ इस शेयर के साथ, जो कि 417 रुपये 45 के बदले ये 210 रुपये पर ओपन हुआ था। तो यहाँ पर जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 21 जनवरी 2018 को, वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल कर दिया था IIFL ग्रुप के रीऑर्गेनाइजेशन को, और इसमें इन्होंने तीन एंटिटीज जो है लिस्टेड एंटिटीज में इसको बनाने जा रहे थे, रीऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और ये एंटिटीज हैं IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एंड IIFL फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पर जो तीसरी है IIFL फाइनेंस, ये हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरी एंटिटी का नहीं था, ज़्यादातर IIFL सिक्योरिटीज और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा आपने। तो ये तीसरा कैसे बनेगी ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो IIFL होल्डिंग है, उन्होंने 31 मई 2019 की डेट ऑलरेडी फिक्स की हुई थी एज ए रिकॉर्ड डेट इस स्कीम के अरेंजमेंट के लिए। तो एज पर लेटर जो कि इन्होंने सेबी को लिखा था, अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड नई एंटिटी बनेगी, उसका एक शेयर दिया जाएगा हर एक शेयर के बदले जो कि IIFL होल्डिंग का शेयर होगा। यानी कि अगर आप IIFL होल्डिंग का एक शेयर ऑन करते हैं तो आपको एक फुल्ली पेड अप शेयर मिलेगा IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड का। और यहाँ पर जो आपको INR 2 दिख रहा है, ये इसकी फेस वैल्यू है। अब दूसरा, आपको फिर से IIFL वेल्थ मैनेजमेंट का एक शेयर मिलेगा हर 7 शेयर के बदले IIFL होल्डिंग लिमिटेड के। जी हाँ, IIFL होल्डिंग लिमिटेड के हर 7 शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेगा IIFL वेल्थ मैनेजमेंट का लिमिटेड का, जो कि न्यू एंटिटी होगी। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज आप IIFL होल्डिंग के शेयर ऑन करते हैं, और लगभग 7 शेयर अगर आप ऑन करते हैं तो क्या कहानी बनेगी। तो पहले कंडीशन में हर एक शेयर के बदले आपको एक शेयर अलॉट किया जाएगा IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड का। उसके बाद हर 7 शेयर, यानी कि जो आप 7 शेयर ऑन करते हैं, हर 7 शेयर के बदले आपको एक शेयर दिया जाएगा IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का। अब यहाँ पर जो तीसरी एंटिटी बनेगी वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर जो IIFL होल्डिंग लिमिटेड का रीनेम किया जा रहा है, आफ्टर रीनेम ये बन जाएगी IIFL फाइनेंस। जी हाँ, तो IIFL होल्डिंग का रीनेम हो जाएगा IIFL फाइनेंस लिमिटेड, और जो कि आप ऑलरेडी 7 शेयर, यानी कि 7 शेयर जो आप ऑलरेडी ऑन कर रहे थे, वो 7 शेयर आपके IIFL फाइनेंस मैनेजमेंट के हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि हर एक IIFL होल्डिंग शेयर के बदले आपको एक शेयर IIFL फाइनेंस का मिल जाएगा। आप जैसे भी समझ सकते हैं, यानी कि या तो आप रीनेम से समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक IIFL होल्डिंग शेयर के बदले एक IIFL फाइनेंस का शेयर मिल जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों कि क्यों किस तरह से ये स्पिन ऑफ हुआ है, और क्यों आज जो ये शेयर 417 के बदले 210 पे खुला था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।